अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माय पैरोट वाईफाई एंड मी। हेलो बर्ड्स लवर, आपका फिर से एक बार वेलकम है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये है कि बेबी पैरोट को हैंड फीड कब तक कराना है, बेबी पैरोट को हैंड फीडिंग कब तक देनी है। तो यही टॉपिक पे आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, इसीलिए एंड तक वीडियो पे बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे करिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारों के दिमाग में ये ख्याल रहता होता है कि हम अपने बेबी पैरोट को कब तक हैंड फीड कराएं, मतलब कब तक हाथ से खिलाएं। तो इनका कोई सेल्फ फीड पर आने का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। कुछ बेबी पैरोट बहुत जल्दी सेल्फ फीड पर आ जाते हैं, कुछ बेबी पैरोट को सेल्फ फीड पर आने टाइम लगता है। और अगर आपको हैंड फीड, इसीलिए ये चीज़ आपके बेबी पैरोट पर डिपेंड करता है कि आप उनको कब तक हैंड फीड कराने वाले हो। बट जब से आप, जब तक आपका बेबी पैरोट का एज 2 से 2.5 महीने का हो जाता है, तब से आपको उनको सेल्फ फीड पर लाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देनी है। और आपको हैंड फीड से सेल्फ फीड पर कैसे लाना है अपने बेबी पैरोट को, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हूँ, जिसके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ये वीडियो वॉच करने के बाद वो वीडियो भी वॉच कर ले, ताकि आपको, अगर आपको पता नहीं होगा कि आपको बेबी पैरोट को हैंड फीड से सेल्फ फीड पर कैसे लाना है, तो वो वीडियो देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बेबी पैरोट की सेल्फ फीड की ट्रेनिंग शुरू कर दे तो आपको हैंड फीड बंद करानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सेल्फ फीड पर कैसे लाना है वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक लगी है आप वॉच करें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। क्योंकि बेबी पैरोट ना आसानी से सेल्फ फीड पर नहीं आते हैं, बेबी पैरोट को सेल्फ फीड पर लाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि वो लोग हमारे हाथ से खाने की बचपन से उनको आदत हो चुकी होती, तो आसानी से खुद से नहीं खाते हैं, इसलिए उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उन्हें सिखाना पड़ता है सेल्फ फीड पर लाने के लिए। और फिर आप अगर ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपको ज़बरदस्ती नहीं उन्हें सेल्फ फीड पर लाना है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आप अगर सेल्फ फीड की ट्रेनिंग दे रहे हो और आप हैंड फीड बंद कर दोगे तो वो बीमार हो जाएंगे या फिर वो मर जाएंगे, इसीलिए कामली आपको पेशेंटली हर चीज़ करनी है। इसका भी एक प्रोसीजर होता है, इसका प्रोसीजर ये है, अगर आपके बेबी पैरोट का एज 2 से 2.5 महीने का हो रहा है तो क्या करना है। अभी तक जो आप दिन में 4 to 5 टाइम फीड करा रहे थे, तो 4 to 5 टाइम फीड नहीं कराते हुए आपको दिन में सिर्फ 3 टाइम फीड कराना है, जैसे मॉर्निंग के 7 बजे, दोपहर के 1 बजे और शाम के 6 बजे। ये 3 टाइम आपको उन्हें फीड, हैंड फीड कराना है। और 6 बजे से 8 बजे का जो आपको टाइम मिलता है, इस टाइम में आपको उनको सेल्फ फीड की ट्रेनिंग देनी है। और बीच बीच में भी जो गैप मिल रहा है आपको, जैसे मैंने 7 से 1 बजे का आपको टाइम बताई, तो 7 से 1 बजे के बीच में भी जो टाइम मिल रहा है, उस वक्त भी आपको हैंड फीड नहीं, आप 7 बजे हैंड फीड करा दिए, उसके बाद 1-2 घंटे बाद आपको उसको सेल्फ फीड की ट्रेनिंग दे सकते हो। 1 बजे अगेन आपने हैंड फीड करा दी, उसके बाद 1 बजे से जो 6 बजे तक का गैप है, उस बीच भी आप उसको सेल्फ फीड की ट्रेनिंग दे सकते हो। अगेन 6 बजे आपने हैंड फीड कराई, तो आप 6 बजे से 8 बजे तक के जो टाइम हो, वो टाइम में भी आप उनको सेल्फ फीड की ट्रेनिंग दे सकते हो। और ट्रेनिंग देते वक्त आपको उन्हें सॉफ्ट फूड देना है। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1-2 दिन वो फूड देने पर भी ना खाए, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये उनका फूड है और उसे कैसे खाना है, क्योंकि आपको, उनको उसके, आपके हाथ की आदत होती है, आपके हाथ से खाने की आदत होती है, तो उन्हें नहीं पता होता है कैसे खाना है, तो 1-2 दिन हो सकता है कि वो ना खाए। इसलिए आपको क्या करना है, उनके फूड से उनकी पहचान करानी है। जैसे आप चना दाल दे रहे हो भिगोई हुई, तो क्या करना है, एक चना दाल का दाना लेकर उनके वीक के पास लेके जाना है, उनके चोंच के पास लेके जाना है, ताकि उन्हें पता चलेगा ये खाने की चीज़ है, वो उस खाने के लिए मुंह खोलेगा, ठीक है। इस तरीके से उसको पता चलेगा ये उसका खाना है, उसके खाने से उसकी पहचान हो जाएगी और धीरे धीरे वो सेल्फ फीड पर आ जाएगा। और जैसे जैसे वो सेल्फ फीड पर आना चालू करेगा, वैसे वैसे आपको थोड़ी थोड़ी हैंड फीडिंग कम करनी है,
जैसे आप दिन में 3 टाइम हैंड फीड करा रहे थे तो आपको सिर्फ 2 टाइम करानी है, 1 टाइम उसको सेल्फ फीड के लिए दे देना है। और वो वैसे 1 टाइम खाने लगा तो आपको अगेन वैसे ही करना है कि 1 टाइम सेल्फ फीड करानी है और 2 टाइम उसको सेल्फ फीड पे देना है। इस तरीके से आप धीरे धीरे उसको सेल्फ फीड पर ला सकते हो। बाकी डेलिकेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो जाके वॉच करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। सो जज़ाकअल्लाह एवरीवन।